समाजवादी पार्टी ने गौशालाओं में गौवंशों की हो रही मौत को बड़ा मुद्दा बना लिया है। अयोध्या जनपद में पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता पवन पांडे ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला में चारे और पानी के अभाव में गौवंश दम तोड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वाराणसी के भदोही सूर्यावा थाने के डीआईजी पीयूष श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर में पौधारोपण भी किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि थाना परिसर की बाउंड्री टूटी हुई है, जिसका निर्माण जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। मुंबई के मुलुंड इलाके की एक हैरान करने वाली सीसीटीवी घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यापारी मुलुंड ईस्ट वेस्ट ब्रिज के पास से गुजर रहा था। उसी समय दो अज्ञात बाइक सवारों ने कार पर पत्थर से हमला कर दिया। पीड़ित ने अपनी शिकायत थाने में दर्ज करवा दी और पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है। कल की घटना है, कल मिस्टर सुकेश कुमार सिंह यहाँ एक कंप्लेंट एप्लीकेशन के बारे में आए थे और यहाँ से यहाँ का काम होने के बाद वो वापस जा रहे थे, वो नई मुंबई की तरफ जा रहे थे। जाते वक्त उनको गाड़ी के ओवरटेक करके एक बाइक स्क्वायर दो बाइक स्क्वायर आ गए थे और जो पीछे बैठा था उसने पेवर ब्लॉक उनके गाड़ी पे मार दिया है। ये घटना हकीकत में ऐसी हुई है, इसके बारे में उन्होंने वापस आके हमारे यहाँ कंप्लेन दी है, उस आधार पर हमने यहाँ ऑफेंस रजिस्टर किया है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। सीसीटीवी फुटेज हर जगह की हम ले रहे हैं, उसके आधार पे उनकी शिनाख्त हो जाएगी और उनको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक अज्ञात शख्स ने सड़क पर एक महिला के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र के गोवर्धन रोड पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से पुलिस ने 6 चोरी की बाइक बरामद की है। बता दें, ये गैंग यूपी हरियाणा में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। मथुरा में गुरु पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं को खास सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। बता दें, पिछले साल बारिश की वजह से ये सेवा रद्द कर दी गई थी, जिसको अब प्रशासनिक अधिकारी ने सफल परीक्षण के बाद मंजूरी दे दी है। साथ ही हेलीपैड को सरकारी स्कूल के पास खुले मैदान में बनाया गया है। बुलंदशहर में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम से हाथापाई कर वारंटी को उसके परिजनों ने उसे भगा दिया। यही नहीं, पुलिसकर्मियों पर बिना वारंट दिखाए पकड़ने पर वारंटी के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर शराब पी कर दबिश देने का आरोप लगाते हुए जमकर हाथापाई की और हाथापाई का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। हालांकि बिना न्यायालय से जारी वारंट के साथ लिए वारंटी को पकड़ने गई पुलिस को विरोध के चलते बैरंग ही लौटना पड़ा। मैनपुरी के थाना लाउट क्षेत्र के ग्राम अजीत गंज के पास एक कार अनियंत्रित होकर स्कूटी से टकरा गई, जिसमें स्कूटी सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार 5 लोगों में से एक 14 वर्षीय बच्चे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बाराबंकी के गदिया फरस्तीपुर के पूरब नदी के पास से कुछ दिन पहले गायब हुए एक युवक का शव बरामद हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हो सकता है।